नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोनेटाइजेशन के रूल्स लेके, और यूट्यूब पे नया अपडेट आया हुआ है कि रूल्स जो है सो उसको फॉलो करना पड़े। मैं जब से यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ बनाता हूँ, तभी से मेरे को मालूम है कि यूट्यूब पे मैं वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद में मुझे पता चल गया कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम जब भी पूरे होंगे तभी मेरा चैनल जो है सो मोनेटाइज होंगे, तभी जाके मैं मोनेटाइजेशन होंगे, तभी मेरे चैनल पे जो है एड्स चलने लगेंगे। मैं जब से यूट्यूब कर रहा हूँ तभी से मेरे को नॉलेज हो चुका था, मगर यूट्यूब जो है नया अपडेट लाया गया है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आपको पूरे होंगे, लगभग एक महीना के अंदर में ही पूरे होंगे, तभी जाके आपको मोबाइल चैनल पर जो है एड्स दिए जाएंगे। और पहले मुझे सुनने में ऐसा आया हुआ है कि जो चैनल 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम नहीं पूरे किए होंगे वो भी मतलब पहले जो है सो मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देता था, उसका चैनल पे अंडर रिव्यू में चला जाता था और वो मोनेटाइज भी हो जाता था, उसके चैनल पे जो है सो एड्स आने लगता था। मगर ये गलत है या सही है मुझे नहीं पता, मगर लास्टली जो है मुझे जो अपडेट मिला है अभी तक मेरे को मेल नहीं आया हुआ है कि ऐसा मतलब 30 डेज में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पूरे करना होगा। मगर मैं क्यों ऐसा बात कर रहा हूँ कि मैं जब भी YouTube चैनल ओपन किया था लगभग, तो मुझे ये कैटेगरीज पहले ही पता चल चुका था, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम जब हम पूरे करेंगे तभी जाके मोनेटाइजेशन के अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए अंडर रिव्यू में जाएंगे, मेरे चैनल को देखा जाएगा, उसके बाद में जो है सो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, तभी जाके मेरे चैनल पर ऐड आना चालू हो जाएगा। मगर ऐसा रूल YouTube बता रहा है, मतलब जितने भी बड़े क्रिएटर्स है बनाया गया है कि YouTube का नया अपडेट जो है सो सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम नहीं भी थे तभी अप्लाई कर सकते थे मोनेटाइजेशन के लिए, और वो अंडर रिव्यू में चला जाता था, वो चैनल जो है सो आप मतलब उसका कैटेगरीज जो है सो कहता है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आप पूरे एक महीना में करते हैं तभी जाके आपके चैनल जो है सो चैनल रहेंगे, नहीं तो एड्स डिसेबल हो सकते हैं। तो इस जो भी जानकारी मेरे को जो YouTube से मिला है मैं YouTube से ही सीखता हूँ, YouTube पे ही बताता हूँ, जो भी नॉलेज मैंने शेयर किया हूँ आप लोग से दोस्तों। तो आप लोग यदि कोई भी सुझाव हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, बाय बाय।